हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी चैनल का नाम है भाविनी ब्लॉग और मेरे वीडियो में मैं आपको आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ न कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी। तो दोस्तों, आप मेरे ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आँखों के बारे में घरेलू इलाज और साथ में ये भी जानेंगे कि आप घर पे ही अपनी आँखों की देखभाल कैसे करें। तो जैसे आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन आँखों के रोग बढ़ते जा रहे हैं। आजकल बच्चे हो या बड़े, हर किसी को मोबाइल या कंप्यूटर की ज़रूरत कोई न कोई कारण से लगती ही है। ज़्यादातर समय हम मोबाइल या कंप्यूटर में ही देखते रहते हैं, उससे हमारी आँखों को नुकसान भी हो सकता है, जैसे आँखों में पानी गिरना, जलन होना, एलर्जी होना, हर किसी को ये प्रॉब्लम रहती है। तो आप घरेलू इलाज करके अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं और इससे हमारी आँखों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों, आपको करना ये है कि हर रोज सुबह उठकर आप अपने मुंह में पानी भरें और पानी को मुंह में ही होल्ड करके अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोएं। दोस्तों, अभी गर्मी के मौसम में हमारी आँखों को ठंडक देना बहुत ज़रूरी है। आप आंवला चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें या फिर खाली पेट आंवले का रस भी पी सकते हैं। आप गाजर का और धनिये का रस निकालकर दिन में दो बार पिए, इससे हमारी आँखों को बहुत से फायदे होते हैं। हो सके तो आप गाय के दूध का ताज़ा मक्खन हर रोज खाए। आप त्रिफला चूर्ण रात को तांबे के बर्तन में भिगो के सुबह वो पानी मुलायम और स्वच्छ कपड़े से छान के वो पानी से अपनी आँखों को धोए। दोस्तों, ये मेरा अनुभव किया हुआ इलाज है, इससे आपकी आँखों को ठंडक मिलेगी और आँखें स्वच्छ रहेंगी। अगर आपकी आँखों में जलन है या आपकी आँखें लाल है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपकी आँखों में जलन है तो आप ठंडे गुलाब जल में या ठंडे दूध में रुई डुबो के अपनी आँखों पे 15-20 मिनट तक रखेंगे तो आपकी आँखों की जलन कम होगी और आँखों में ठंडक होगी। अब मैं आपको चश्मे के नंबर उतारने के घरेलू इलाज बताऊंगी। ज़्यादातर लोगों को आँखों में दूर या नज़दीक के चश्मे के नंबर रहते हैं। आजकल तो बच्चों को भी नंबर आने लगे हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सुबह उठकर मुंह में पानी भरे और अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोए। इसके अलावा आप घर में ही पाउडर बनाएं। इसके लिए आप 100 ग्राम सौंफ ले, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री ले। इन तीनों को मिक्सर में पीस के बारीक पाउडर बना ले। ये पाउडर बच्चे या बड़े कोई भी ले सकते हैं। ये पाउडर आप कांच के बर्तन में स्टोर भी कर सकते हैं। आप एक चम्मच पाउडर रात को सोने से पहले ले और बच्चों को आधा चम्मच दे। ये पाउडर आपकी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा है। सुबह उठ के तुरंत ही आप अपने मुंह की लार यानी थूक को काजल की तरह आँख में लगाएं। इससे आपके चश्मे के नंबर बहुत जल्द उतर जाएंगे। दोस्तों, हमारी मुंह की लार हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी है। आँखों में घर का निकाला हुआ देसी गाय का घी लगाएं। बच्चों को अगर आप काजल लगा रहे हो तो वो काजल आप घर पे ही बनाएं। इसके अलावा आप थोड़ी आँखों की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर पे काम करते समय 2-3 घंटे में अपनी आँखों को कुछ मिनट के लिए बंद कर लीजिए। यह प्रक्रिया आपको पूरे दिन काम करते समय दोहरानी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आँखों को आराम मिलेगा, जो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी आँखों की पुतलियों को दाएं बाएं और ऊपर नीचे करने के साथ साथ चारों ओर घुमाएं। अपने अंगूठे को आँखों की सीध में दोनों भौंरों के बीच में लंबा रखें और कुछ समय तक आँखों को उसी बिंदु पर टिकाए रखें। फिर आप दीपक की लौ को एक टक देखते रहें। इससे आपकी आँखों की क्षमता बढ़ेगी और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ सकता है। आखिर में
अपनी हथेली को साथ में रगड़े और गर्म होते ही 20-30 सेकंड तक अपनी दोनों आँखों पर रखें और गर्माहट दें। दोस्तों, आँखों की सब एक्सरसाइज आप धीरे धीरे ही करें। सुबह में उगते सूरज को देखें जब तक देख सके। इससे आपकी आँखों में पानी आ सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा करने से आपकी आँखें स्वच्छ हो जाएंगी। अगर हो सके तो सुबह के समय हरी घास पर चले। हरी घास पर चलने से आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, खास तौर से जब घास पर ओस जमी हो। अगर बच्चों को चश्मे के नंबर है तो हरी घास पर चलने से नंबर बहुत जल्द उतर जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आँखों को क्लीन और हेल्दी रखने के बहुत से इलाज बताए हैं। थोड़ी सी कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आँखों के नीचे डार्क सर्कल और आँखों के बाकी रोगों के बारे में जानेंगे। तो मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। आपको आँखों के बारे में बहुत सारी घरेलू टिप्स मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।